फिल्मों का विलेन होना एक बहुत ही कठिन काम है। अगर आपने काम अच्छा किया तो आपको खूब गालियां पड़ेंगी। कोई भी आपके आसपास नहीं आएगा, आपको पार्टीज में नहीं बुलाया जाएगा, बच्चों को आपसे दूर रखा जाएगा, आपको रेपिस्ट कहा जाएगा, आपको शराबी कहा जाएगा, आपको चरित्रहीन कहा जाएगा, और कभी कभी विलनी का काम करने में आपको मुक्के भी पड़ेंगे। आज मैं आपको उस किस्से के बारे में बताऊंगा जब प्राण साहब को शम्मी कपूर का मुक्का लगा और उनकी नाक टूट गई। ये कब हुआ और क्यों हुआ? I'll be telling you everything about it. मेरा नाम है राहुल and this is 70mm with राहुल। ये इंसिडेंट हुआ था शम्मी कपूर साहब की फिल्म तुमसा नहीं देखा के सेट्स पर। इसमें एक सीन है, अगर आपको याद हो, जब शम्मी कपूर की मुक्केबाजी होती है विथ प्राण, जो कि फिल्म में विलेन है। आमतौर पर इस किस्म के ढिशुम शॉट्स में बॉडी डबल्स को इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी डबल्स यानी सिमिलर दिखने वाले वो स्टंटमैन लोग जो हीरो की जगह गिरते हैं, कलाबाजियां खाते हैं ताकि हमारे हीरो लोगों को चोट ना लगे। तुमसा नहीं देखा के फाइट सीक्वेंस में भी शम्मी साहब और प्राण साहब के बॉडी डबल्स ही लड़ रहे थे, लेकिन फाइनल कुछ शॉट्स लिए जाने थे डायरेक्टर नासिर हुसैन की तरफ से, जहां शम्मी साहब और प्राण साहब का क्लोजअप लेना था, जहां शम्मी साहब को एक मुक्का चलाना था, प्राण साहब को पीछे हट जाना था और उस मुक्के को गुजर जाना था। तुमसा नहीं देखा 1957 में रिलीज हुई थी। ये वो जमाना था जब लोग बहुत प्रैक्टिस करते थे, कई बार रिहर्सल्स होती थी छोटी छोटी चीजों के लिए भी, और तब जाके फाइनल टेक लिया जाता था। प्राण साहब और शम्मी साहब ने भी कई बार इस फाइटिंग सीक्वेंस की रिहर्सल की, प्रैक्टिस की, जहां शम्मी साहब ने हाथ चलाए, प्राण साहब हट गए और सब कुछ ठीक था। जब फाइनल टेक होना था तो 3 बार शम्मी साहब को क्लोजअप मुक्का मारना था, 2 बार सब कुछ ठीक गया, लेकिन 3री बार कुछ और हुआ। जैसे ही शम्मी साहब ने मुक्का मारा, प्राण साहब पीछे जाने की बजाय आई डोंट नो क्या सोच रहे थे, वो आगे आ गए। शम्मी साहब का मुक्का प्राण साहब की नाक पे लगा, प्राण साहब की नाक टूट गई, खून निकलने लग गया। उस जमाने में फिल्म के सेट्स पर कोई डेडिकेटेड डॉक्टर नहीं होता था, और मेडिकल फैसिलिटीज भी जो थी, जैसे कि मेडिकल एड वगैरह, वो भी बहुत ही बेसिक थी। तो जब प्राण साहब को असली का मुक्का लगा और इतना खून निकलने लग गया, तो फिल्म का जो क्रू था वहां पे, वो एकदम सख्ते में आ गया और थोड़ी अफरा तफरी मच गई। लोग वहां डॉक्टर को बुलाओ या पट्टियां लेके आओ, ये सब आवाजें निकालने लग गए। मीनवाइल जिस आदमी ने मुक्का मारा था, यानी शम्मी कपूर, उनकी तो हालत ही खराब हो गई। वो एकदम अपोलोजेटिक हो गए, प्राण साहब को सॉरी सॉरी करने लग गए, प्राण साहब सॉरी ऐसा होने लग गया। प्राण साहब तुमसा नहीं देखा के टाइम तक एक बहुत ही सीनियर एक्टर थे इंडस्ट्री के, और शम्मी कपूर ने तो अपने जीवन की एक भी हिट नहीं दी थी तुमसा नहीं देखा के पहले। हाँ, वो पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे, लेकिन वो एक बहुत ही जूनियर आर्टिस्ट थे एज कंपेयर टू प्राण साहब। तो वहां पे कुछ माहौल ही अलग सा क्रिएट हो गया। लेकिन प्राण साहब एक कातिल विलेन के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी थे। जब शम्मी साहब सॉरी सॉरी करते हुए प्राण साहब के आगे पीछे घूम रहे थे, तो प्राण साहब ने एक रुमाल से खाली अपने नाक को पकड़ा, शम्मी साहब की तरफ घूमे और बोले कि शम्मी, क्या बेवकूफ हो तुम, सॉरी किस बात के लिए कह रहे हो, तुमने क्या किया है, गलती मेरी थी, मुझे पीछे हटना चाहिए था, ऐसा होता रहता है, डोंट वरी। उसके बाद वो नासिर हुसैन की तरफ मुड़े और बोले कि नासिर, अगला शॉट क्या है ये बताओ। प्राण साहब भले ही एज अ विलेन फेमस हो, लेकिन उन्होंने कई ऐसे हीरो वाले काम किए हैं जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन प्राण साहब ने कई ऐसी छलांगे मारी हैं जो उन्हें शायद नहीं मारनी चाहिए थी। ये बात 1975 की है, प्राण साहब की उम्र उस वक्त 55 साल थी। एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे वो, मनोज कुमार की 10 नंबरी। वो फिल्म अगले साल 1976 में जाके रिलीज हुई थी और एक बहुत बड़ी हिट भी बनी। एनीवे, उस फिल्म की जब वो शूटिंग कर रहे थे, तो एक शॉट था जहां प्राण साहब को 15 फुट ऊपर से नीचे कूदना था। वो शॉट डायरेक्टर ने कहा कि एक डबल कर लेगा, यानी स्टंटमैन कर लेगा, प्राण साहब आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्राण साहब बीइंग प्राण साहब वो अड़ गए। उन्होंने कहा नहीं, ये शॉट तो मैं ही करूंगा, मैं ही कूदूंगा। एंड आप बिलीव करें ना करें, बट 55 साल के प्राण साहब 15 फुट ऊपर से नीचे कूदे और अपना एंकल तोड़वा लिया।
अपना पैर तुड़वाने की वजह से प्राण साहब एक महीना बिस्तर पर रहे, और जब किसी ने उनसे ये पूछा कि ये कूद मारने की आपको क्या जरूरत थी, तो प्राण साहब ने कहा यही तो मेरे फिटनेस का राज है, अपने स्टंट्स मैं खुद ही करना चाहता हूँ, इससे दौड़ भाग भी होती है और आदमी फिट भी रहता है। मेरा ये मानना है कि प्राण साहब फिल्म इंडस्ट्री से तो थे लेकिन फिल्मी नहीं थे। उनकी शम्मी कपूर साहब भी बहुत तारीफ कर रहे थे जब मैं शम्मी साहब से मिला था। शम्मी कपूर और मैंने और क्या बातें की वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है प्लीज वॉच दिस वीडियो। 15 फीट ऊपर से प्लीज जंप मत मारिएगा, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स। टाटा।